नाना पटोले द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके में ये नाना पटोले का पुतला लाया गया है और इस पुतले को पीट कर इसे जलाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है क्योंकि यहाँ पुलिस जो है वो पुतला छीनना चाहती है, पुलिसकर्मी पुतला छीन रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो पुतले को चप्पल मार रहे हैं, इसे जलाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस ने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। ऐसे पर स्थानीय भाजपा विधायक अतुल भातखलकर अपने दफ्तर के ठीक बाहर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दफ्तर के बाहर ही वो इस पुतले को जलाना चाहते हैं। और यहाँ देखिए ये नाना पटोले का ये जो पुतला था उसके कुछ हिस्से को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और पुतले का अधिकतर हिस्सा जो है यहाँ पर आक्रोशित जो भाजपा कार्यकर्ता है वो यहाँ भाजपा कार्यकर्ता जो है अपना आक्रोश यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आपत्तिजनक वक्तव्य कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे सकते हैं या मार सकते हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए, आक्रोश व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके में भी सड़कों पर यह हंगामा आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए फिलहाल पुलिस जो है वो अतुल भातखलकर को हिरासत में ले रही है और यहाँ पर पुलिस जो है अतुल भातखलकर को हिरासत में ले जा रही है और अपने साथ वैन में बिठा रही है। यहाँ आप देखिए वैन में अतुल भातखलकर को बिठाया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है। नाना पटोले के वक्तव्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी लेकिन उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इसीलिए मुंबई पुलिस ने फिलहाल विधायक अतुल भातखलकर को हिरासत में ले लिया। लेकिन यहाँ देखिए हंगामा बढ़ते जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पुलिस के वैन को घेर लिया है और पुलिस के वैन को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। जिस गाड़ी में अतुल भातखलकर बैठे हुए हैं उस गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उसमें भाजपा विधायक अतुल भातखलकर और कुछ कार्यकर्ता है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन यहाँ पर देखिए उस गाड़ी के ठीक आगे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं और उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और यह देखिए अब यहाँ पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और भी जो पुलिस के वैन्स हैं वो यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया जा रहा है, अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है। देखिए बड़ा वैन है जिसमें कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाएगा क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है इस वैन को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ देखिए आप आगे नहीं जाने दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने पूरे गाड़ी को घेर लिया है कि वो तानाशाही की जा रही है और आगे नहीं जाने देंगे और इसीलिए ये गुस्सा यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। और यहाँ अतुल जी आप को हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे? अरे नाना पटोलेला अरेस्ट केलं तर मला अरेस्ट करतायत, कारण नाना पटोलेची प्रतिमा आम्ही जाळली। या महाभकास आघाडी सरकारचा मी निषेध करतो। मेरे को मालूम नहीं क्या बोल रही पुलिस, आपको ले जा रही है। पुलिस प्रतिमा जलाई नाना पटोले की, जूते मारे, इसके लिए मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं। अरे अरेस्ट तो नाना पटेले को करना चाहिए लेकिन ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये जादगी करने वाली सरकार है, हमको अरेस्ट कर रहे। नाना पटेले को अरेस्ट करो। देखिए यहाँ आप वैन के ठीक बाहर, ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी के ठीक बाहर देखिए सामने पूरे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं जो कि गाड़ी को जाने नहीं देना चाहते, गुस्सा अपने जाहिर कर रहे हैं कि सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नाना पटोले जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनुचित शब्द का प्रयोग किया, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन पुलिस अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले रही है, रूट खाली करा रही है और इस सड़क पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। पर यहां देखिए जमकर हंगामा हो रहा है क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि उनके नेता को, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके नेता को पुलिस हिरासत में ले, उन पर कार्रवाई करे, इसीलिए गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया है और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी या तीसरी लहर को देखते हुए पुलिस ने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य भर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को रोक लगाया हुआ है लेकिन यहाँ
प्रदर्शन किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने अतुल भातखलकर और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए, रूट को फिलहाल बंद कराया गया है और यहाँ सामने देखिए कार्यकर्ता भाजपा के जो कि गाड़ी को जबरन रोक रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो कार्रवाई नाना पटोले पर होनी चाहिए थी वो अतुल भातखलकर पर की जा रही है और इसीलिए ये पूरा हंगामा हो रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके नेता को हिरासत में लिया गया प्रदर्शन के लिए? मैं बस यही बोलूंगी, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है और देश के हर इंसान का यह मौलिक, हम लोग बोलते हैं ना जो एडिकेट्स है, कि उनको अपने प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैम आप बताएं, आपके नेता को रियासत में लिया गया और काफी हंगामा हुआ प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल, आज ये गलत बात किया है। जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसकी तो कांग्रेस सरकार को ताकत नहीं है, ना उद्धव ठाकरे को ताकत है। नाना पटेलों को अरेस्ट करके दिखाओ, बाद में हम लोग देखेंगे। इसने तो हमने यहाँ धरना किया है और ये धरना हम लोग करके रहेंगे और धक्का दिया है, हम लोग बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और जोर शोर में हम लोग ने जो आंदोलन किया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, इस तरह से हम लोग ने षड्यंत्र रचा है। पंजाब रहने दो, आज महाराष्ट्र में रहने दो, हम लोग उसका बिल्कुल निषेध करेंगे। लेडीज को धक्का भी दिया है पुलिस वाले ने, हमारी नगर सेविका उनको धक्का दिया है, वो गिर गए, उनका चश्मा टूट गया। ये अत्याचार हो रहा है, वसूली सरकार खाली वसूली करेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। देखिए, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको वैन में बिठाया जा रहा है। पहले भाजपा विधायक को गाड़ी में बिठाया गया, उसके बाद अब जो ये वैन है उसमें भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं को भी वैन में बिठाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। उनको स्थानीय पुलिस थाने ले जाया जाएगा जहां पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, लेकिन यहां जमकर काफी हंगामा हुआ। फिलहाल आप देखें, भीड़ जिधर भीतर हुई है, रास्ता जाम हो गया है और कार्यकर्ताओं और नेता को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि नियम तोड़े गए, यहाँ पर पुतला जलाने की कोशिश की गई और इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जो कार्रवाई यहाँ स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं पर की गई वो कार्रवाई नाना पटोले पर क्यों नहीं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।